मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई भी कठिनाई सामने नहीं आती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं हमीरपुर जिला के गलोड़ खास के संजीव शर्मा। शर्मा अपने कार्य के दम पर एक बार फिर से पंचायत चुनावों में पंचायत गलोड़ खास से चुनावी मैदान में उतरकर अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि संजीव शर्मा इससे पहले पंचायत के उप प्रधान पद पर आसीन थे। हमीरपुर जिला के गलोड़ में ग्राम पंचायत खास गलोड़ में पिछले 5 सालों से उप प्रधान पद पर आसीन संजीव शर्मा चलने फिरने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। बावजूद इसके इस बार संजीव शर्मा प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। संजीव शर्मा का चुनाव चिन्ह जीप है और वे पूरा दम लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। संजीव शर्मा का कहना है कि जो भी उनके द्वारा लगाए गए काम अधूरे बचे हैं, उन्हें भी प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता के साथ करवाएंगे। प्रधान पद के उम्मीदवार संजीव शर्मा ने कहा कि उनका प्रचार अभियान पूरे जोश के साथ चला है और उन्हें पूरे गांव का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा युवा वर्ग उनके साथ है और इस बार वे ही जीतेंगे और जो भी काम अधूरे बचे हैं, उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे। पूरा जोश से चल रहा हूँ, पूरी ताकत है लोगों की, मेरे साथ समर्थन है, पूरा समर्थन है मेरा, मेरे लोगों का पूरा समर्थन है और युवा वर्ग का, पूरा युवा वर्ग जितना भी है मेरे साथ है सर। मैं हर गांव में गया, हर घर घर में गया हूँ, ऐसा कोई घर नहीं मैंने छोड़ा है कि जिस घर में नहीं पहुँचा हूँ। मैं हर व्यक्ति से मिल के आया हूँ और उसके समस्या पूछ के आया हूँ कि आपकी समस्या क्या है। मेरे लिए भगवान का पूरा आशीर्वाद है और मैं प्रधान बनूंगा। उप्रधान था मैं सर। कौन से कार्य पेंडिंग है जिनको अभी करना है? अभी सर ग्राउंड वगैरह है, युवक मंडल भवन है, जांच कार्य है, 2-3 काम ऐसे पड़े हुए हैं, रास्ते हैं कुछ हमारे खराब, उनके लिए पैसे पड़े हुए हैं पर नहीं लगा पाए, तो मैं आऊंगा तो स्टार्टिंग में वो काम चालू कर दूंगा। आप चलने फिरने बिल्कुल असमर्थ हैं सर, मेरे पास कभी आप में कुछ कमी रहती है? नहीं सर, मेरी कोई कमी नहीं रहती, मेरे पास औरों के पास 2 टांगे होती है, मेरे पास 10 टांगे है। आपको बता दें कि प्रधान पद के उम्मीदवार संजीव शर्मा चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपनी पंचायत में आने वाले प्रत्येक घर में जाकर प्रचार किया है और हर घर के सदस्यों के साथ मिले व उन्हें वोट देने की अपील की है।